हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइनमेट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। देखो अभी लीनियर रिग्रेशन के बारे में आज हम लोग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उसके जो बेसिक्स है, अगर आपको कोई आधी रात को भी जगा के पूछ ले कि भैया क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, तो आप बता पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आफ्टर दिस वीडियो एक बार आप ये वीडियो देख लो, आप बता पाओगे कि भैया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसकी बेसिक आइडिया क्या होता है, उसको क्यों यूज किया जाता है, उसके बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मैं बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो बट बिफोर मूविंग टू लीनियर रिग्रेशन भाई, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिग्रेशन इटसेल्फ होता क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। सी क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या माजरा है भैया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको एक काम दे दिया गया है और बोला गया है कि आपको इस कंपनी का एनुअल सेल जो है वो फाइंड आउट करना है कि भैया इस कंपनी का इस साल में कितना एनुअल सेल हुआ है, ये आपको फिगर जो है वो एक न्यूमेरिक फिगर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरे एनुअल सेल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स मेरे जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो कंपनी उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंप्लॉय कितने हैं, बराबर है कि नहीं, प्रोडक्ट कितना बिका, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीजें जो ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनुअल सेल को अफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका जो एनुअल सेल आपको फाइंड करना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक कंटिन्यूअस वैल्यू जो आपको ये फाइंड करनी है, इट इज योर सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी आपको आइडिया समझ में आ गया कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, एग्जांपल देके समझा दिया। अभी अगर आपको इस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, यू हैव टू मॉडल अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज द रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हो एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली वहां पे रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हो जहां पे आपको जो आउटपुट वैल्यू चाहिए, यानी कि इन दिस केस डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो अगर न्यूमेरिक नेचर का होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा, वही मैंने लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस इन नेचर। सादी भाषा में आपका नंबर होना चाहिए, वो कोई कैरेक्टर वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीधा साधा सा नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी, तो वो बेस्ट केस होगा कि जब आप यहां पे रिग्रेशन को यूज करोगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, बराबर, एक लीनियर रिग्रेशन है और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यहां पे इस वीडियो में पहले लीनियर रिग्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा एक, ठीक है। तो अभी इस केस में वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटीन्यूअस होता है नेचर में, बराबर, और जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप होती है, जो हमें मॉडल करनी है, जो रिलेशनशिप हमें मॉडल करनी है, वो रिलेशनशिप इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज ऑफ लीनियर नेचर, इज ऑफ लीनियर नेचर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, एक आपका ये इंडिपेंडेंट फीचर है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अभी करना क्या है आपको, इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है उसको पहचानना कि भाई रिलेशन कैसा है। तो लीनियर रिग्रेशन में आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, ये जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट डेटा पॉइंट्स जो कि आपके डेटा सेट के अंदर मौजूद हैं, तो वो डेटा पॉइंट्स एक तरीके से लीनियर डेटा सेट आपने यूज किया, और लीनियर डेटा सेट अगर आपने यूज किया है तो लीनियर मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा, यानी लीनियर रिग्रेशन इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू दैट यू कैन अप्लाई इन दैट। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अभी लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी रिस्पेक्टिवली इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब एक दूसरे को एक तरीके से वो प्रोपोर्शनल है, दे आर लीनियर इन नेचर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज आपको बता देता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन काउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कि भैया कितने फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनुअल सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, एक फैक्टर है, दो है, तीन है, चार है, कितने फैक्टर है भाई, उससे भी आपके दो डिफरेंसेस निकल के आते हैं। कि अगर बाय चांस एनुअल सेल को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑब्वियसली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस सिचुएशन में, उस केस में हम उसे कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और उस सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन द बेस्ट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो आप लीनियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन यूज करते हो। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या है, ये है, क्या है कि भैया x1 मतलब क्या, आपका वो सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि फीचर है, एक एट्रीब्यूट है। सो x1 क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x क्या था मेरा यहां पे, इट वाज सिंपली अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या था मेरा, ये आउटपुट वेरिएबल है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया भाई मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए वो आपका y है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी आप बोलोगे भैया ये अल्फा क्या है, अल्फा 0 अल्फा 1 ये क्या है, दीज आर सिंपली द कोएफिशिएंट्स।
किसके कोएफिशिएंट है भाई, पड़ोसी वाले के नहीं, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन यानी रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं, बराबर। इनके बारे में और भी हम लोग डिटेल में आगे जानकारी हासिल करने वाले हैं, बट यहाँ पे आप समझ लो कि भैया ये जो दिख रहा है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो अल्फा दिख रहे हैं आपको दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड वाई, वाई क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को मैं कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं कि जो आपको इजीली आइडेंटिफाई आप उसे कर पाओ, ऐसे फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म पहचाना हुआ, जाना पहचाना लग रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये c क्या है आपका एक तरीके से, ये यहां पे m क्या है, m इज सिंपली अ स्लोप, m इज सिंपली अ स्लोप, मतलब जब आप ऐसी ऐसी आप स्लोप्ड लाइन ड्रॉ करते हो, जब भी आप ऐसी स्लोप्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें आप m स्लोप निकालते हो और c क्या है आपका इंटरसेप्ट है, आपका इंटरसेप्ट है। तो ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मैपअप कर सकते हो, करेक्ट और नॉट। सो द सेम सिंपल लीनियर इक्वेशन कैन बी शोन इन दिस फॉर्म, जस्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भैया ये आपका एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये आपका स्लोप है ऑफ द मॉडल दैट यू हैव ड्रॉन और लाइन यू हैव ड्रॉन, ये आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका सिंपली जो फाइनल आउटपुट वेरिएबल बोल लो या डिपेंडेंट वेरिएबल बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो भैया सिंपल लीनियर इक्वेशन का फंडा समझ में आ गया, अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे कि अगर मुझे एनुअल सेल फाइंड करना है तो मेरे पास बाय चांस एक से ज्यादा फैक्टर है तो क्या किया जाए भाई, मतलब यहाँ पे सिर्फ x1 नहीं है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी, x5 भी, x6 भी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, m फैक्टर्स हैं, तो भैया ये यूज करो ना, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किसे बोलते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस केस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय मल्टीपल लीनियर इक्वेशन विच इज बीन शोन हियर। सेम फंडा है, कोई अलग नहीं है, वाई है, ये आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, ये कितने हैं भैया आपके, हाउ मेनी आर दीज, जो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कितने m, m आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, m आपके ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं, एंड y इज योर सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x i क्या है ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑब्वियसली अल्फा i क्या है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो अभी मैं इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ मैंने अल्फा की जो वैल्यूज है वो मैंने उसमें डाल दी है, x1 x2 कोई वैल्यू नहीं डाली, y की वैल्यू फाइंड नहीं की है, सिर्फ मुझे किसे एक्सप्लेन करना है अल्फा को, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैंने सिर्फ वही वैल्यू यहां पे पुट अप की हुई, तो देखते हैं क्या होता है। y is equal to 0.9 1.2x1 2x2 + 4x3 + 1x4, तो ये चीजें यहां मेंशन की हुई है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा 0 की वैल्यू ये है, अल्फा 1 की वैल्यू ये है, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दिस, तो रिमेंबर एक जो आपका एट्रीब्यूट है या फिर जिसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो या फिर सिंपली एक फीचर कहते हो आपके डेटा सेट का, एक फीचर कहते हो, तो वो फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपैक्ट डालता है आपके आउटपुट वेरिएबल के ऊपर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ दैट अल्फा। कहने का मतलब ये कि अभी इसमें इन सभी अल्फाज में से, मतलब अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इन सभी में से अल्फा 4 सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस अल्फा की है, ऑब्वियसली आप यहां नोट कर सकते हो अल्फा 3, अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 4 सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अल्फा से मतलब इस कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो मेरा फीचर है यानी कि x3, इससे रिलेटेड, इस कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो मेरा फीचर है यानी कि x3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग द y करेक्टली एक्यूरेटली, बराबर। एक एग्जांपल आपको मैं जैसे देता हूं कि जैसे कि आपका रिजल्ट है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, आपका रिजल्ट है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास दो फीचर्स हैं, कौन से दो फीचर हैं, एक तो आपका सिंपली जो यू नो रोल नंबर आईडी और दूसरा है आपके परसेंटेज, बराबर। तो ये दो फीचर्स है। नाउ रिमेंबर, अभी आप कॉमन सेंस बता सकते हो कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरे पास यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है रिजल्ट, तो अभी मेरा रोल नंबर या फिर जो मेरा रोल आईडी है और मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग द रिजल्ट, कि मतलब परसेंटेज के ऊपर आप मेरा रिजल्ट निकाल सकते हो कि 35 के ऊपर है तो भैया पास है, 35 के नीचे तो
फेल है। तो मतलब ये जो मेरा परसेंटेज, ये जो मेरा फीचर है, ये जो मेरा एट्रीब्यूट है, ये जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्ट्रांगली इंपैक्ट कर रहा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर रोल नंबर आईडी को देखोगे तो वो इतना अफेक्ट नहीं करता, मेरा रोल नंबर चाहे 35 हो, 70 हो, 120 हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं कि मैं पास हूं या फेल हूं, बराबर। तो वो इतना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जितना कि हमारा जो परसेंटेज वाला फीचर है वो डाल पा रहा है। इसीलिए जो मेरा परसेंटेज वाला फीचर है वो जिस कोएफिशिएंट से रिलेटेड होगा, यानी कि इन दिस केस फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये वाला जो है, ये वाला जो मेरा फीचर है वो मान लो परसेंटेज का है, और ये वाला जो फीचर है कहां गया, ओके, ये वाला जो फीचर है वो रोल नंबर आईडी का। तो अभी आप इसमें गेस कर सकते हो कि X3 रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज, X4 represents the roll number ID. तो X3 is very important. Percentage is very important to determine the result. Roll number is not that much important to determine the result. तो इसीलिए X3 से related जो उसका alpha है, यानी कि alpha 3, यानी कि उसका जो regression coefficient है, respective coefficient, उसकी value सबसे ज्यादा है as compared with the alpha 4. तो alpha 3 की, तो यहाँ पे alpha 3 की जो value है, it is much more greater. I should say much more greater than alpha 4. Why? Because this factor or this फीचर, दिस वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ वाई। तब जाके हमें यहां पे पता चलेगा कि भैया क्या है रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, बराबर, कितना है रिजल्ट, कैसा है रिजल्ट। तो यहां पे आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रिजल्ट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी, जितनी भी बेसिक्स मैं बता सकता था आपको। हाँ, एक और चीज रह गई, बस एक ही चीज रह गई है। तो अभी आप बोलोगे अल्फा की वैल्यूज आई कहां से, फ्रॉम वेयर दिस अल्फा वैल्यूज केम, मतलब अल्फा वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। सिंपली अल्फा वैल्यू सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि वो अल्फा, मतलब वो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, जिस फीचर के साथ, जिस वेरिएबल के साथ वो रिलेटेड है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना अफेक्ट करता है आपके आउटपुट वेरिएबल को, बराबर, ये वो सिंपली दर्शाता है। तो इस केस में X3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज उसका जो कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा है, 4 है, उसकी वैल्यू 4 है उस कोएफिशिएंट की, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो X3 है। लेकिन ये अल्फा की वैल्यू डिसाइड कौन करता है, डिसाइड कैसे करता है, डिसाइड कब करता है, तो सिंपल सी बात है, जब आप अपना ये पूरा का पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग को देते हो, मतलब ट्रेनिंग फेज में देते हो, तो वहां से लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, वहां पे लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, और उस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू समझ में आता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर फीचर है, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, ये जो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एट्रीब्यूट है, ये बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आपके आउटपुट वेरिएबल को, तो ये बहुत ही IMP फीचर है। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा IMP फीचर है, तो उसकी जो, उसका जो रिलेटेड कोएफिशिएंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसा फीचर है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन द ट्रेनिंग फेज, अगर बाय चांस कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बिल्कुल भी अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पा रहा आउटपुट वेरिएबल को, कुछ भी अपनी तरीके से इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा ऑन द डिसाइडिंग द आउटपुट वेरिएबल, तो उसका जो रिस्पेक्टिव, मतलब जैसे कि X4 है, X4 मेरा रोल नंबर आईडी था, वो इतना कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भैया एक स्टूडेंट कि अगर मुझे रोल नंबर आईडी दिया जाए तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊं कि भैया वो स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा। आई कांट प्रिडिक्ट, कुछ भी हो सकता है रोल नंबर और उसका रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये रोल नंबर जो है, दैट इज X4, इस केस में X4 जो है, जो मेरा एट्रीब्यूट है, इट इज नॉट एबल टू मेक दैट मच इंपैक्ट, इतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा आउटपुट रिजल्ट को, इसीलिए भाई उसका मैंने क्या ले लिया, सिंपल सा 1 ले लिया उसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, तो उसको वैल्यू मैंने कम दी, और जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उसको वैल्यू मैंने ज्यादा दी। कब, जब ये लर्निंग होता है ट्रेनिंग फेज में, तो तब पता चलता है कि भैया कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सम अप करूं, तो जिसकी अल्फा की वैल्यू, जिस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, यानी कि जिस वेरिएबल से रिलेटेड जो कोएफिशिएंट है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब भाई वो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रिजल्ट, वाई को डिटरमाइन करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, X, in this case X, यानी कि independent variable, और अगर by chance कम है alpha की value, तो वो बिल्कुल भी important नहीं, बिल्कुल भी important नहीं, जैसे कि in this case 1.2, तो वो इतने, मतलब कि X1 and X4, क्योंकि उनके जो coefficient है 1.2 and 1, वो इतने ज़्यादा important नहीं, क्योंकि उनकी जो coefficient value बहुत कम है, so they are not that much important to determine the result, यानी कि आपका dependent variable Y। तो I hope दोस्तों इस video से आपको basic idea मिल चुकी होगी कि भाई linear regression क्या होता है, कैसे implement होता है, वो सारी जो चीजें concept से इस रिलेटेड टॉपिक से मैं इस वीडियो में आप तक डिलीवर कर चुका हूं। अगर वीडियो आपको पसंद हो आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।